लकी निकल गया भाई तू तो बहुत। बस ये पहले मुझे बोलता था कि भाई नहीं स्टेडियम के बाहर चलते तो कोई मिल जाएगा टिकट में, फिर उसके साथ चल जाएंगे, मतलब किसी के पास अगर एक्स्ट्रा होगा तो। मुझे लगता था कि भाई मतलब 3,000-3,500 प्लस की टिकट होती है, कौन ही लेके जाएगा मतलब फ्री में, लेकिन भाई मुझे गलत साबित कर दिया भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग वीडियो। तो भाई आज की सुबह हो रही फिलहाल नाला सुपारा में, और अभी मैं सुबह की बज रही भाई 6:30 और जा रहा हूँ स्टेशन। दरअसल कल रात में ऐसा हुआ कि मैं सारे प्लेयर्स का मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और ज़्यादा लेट हो गया था भाई। उसी वजह से कल रात में कल्याण वाली ट्रेन छूट गई थी हमारी, मैं और भाई दोनों की, मेरी वजह से भाई की छूट गई, क्योंकि मैच लगभग 11:23 पर ख़त्म हो चुका था। हम जाते तो निकल जाते बट मैं वीडियो बनाने के लिए रुक गया था। बाकी मैं हरभजन सिंह से मिला, पार्थिव पटेल से मिला और वो आहूजा दादा से मिला भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, और उनसे तो मैंने दो दो वर्ड्स भी सुने MI को लेकर। और मैं ना पोलार्ड को देखा, रोहित शर्मा को देखा, मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा, मुंबई इंडियंस के ना सारे प्लेयर्स को देखा। टीम डेविड ना भाई ये लंबा तंबा इंसान था, एकदम चिकना सा, और शेफर्ड भी कितना लंबा था, पोलार्ड भी कितना लंबा था, ये सब मैंने ना ऐसे आंखों के सामने से देखा। यूँ मानो कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो गोल्ड लोन लिखा है ना वहाँ पर होंगे वो, बस इतना ही गैप था। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इस वजह से मैं जितना ले पाया उतना ले पाया। तभी भाई इतना सुबह तो रात में हमारा कहाँ जाए, इस वजह से हम ओला करने वाले थे, बट मतलब भाई बोला मैं ओला करता हूँ, मैं बोला रहने थे चलते मामा के घर रुक जाते, तो हम मामा के घर रुक गए थे। और भाई तो अभी घर पे ही है मामा के, वो सो रहा है। हमारी बाइक भी कल्याण स्टेशन पर खड़ी है पार्किंग में, तो मैं तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ भाई इतना सुबह इस वजह से क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। आज हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है, तो मैंने मेरे कपड़े वगैरह और जितना भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट था सब मंगा लिया है अविनाश भाई से, वो लेकर आएगा भाई बैग वगैरह सब, और सीधा मैं कॉलेज में चेंज करके भाई वो क्या बोलते उसको सबमिट वगैरह करवा के उसके बाद फिर घर जाके सोऊंगा। बाकी एक चीज़ और वो गड़बड़ हो गई भाई, मैंने ना कल वाली वीडियो की जो मेरी मतलब 4 जुलाई से कंटिन्यू स्ट्रिक चली आ रही थी डेली वीडियो अपलोड की, डेली वीडियो बोले तो 4 जुलाई को भी वीडियो, 5 जुलाई को भी वीडियो, 23 मार्च को, 24 मार्च को, ऐसे कंटिन्यू डेली वीडियो का स्ट्रिक था, वो कल टूट गया। मतलब मैं वीडियो अपलोड कर दिया था बस उसको पब्लिक करना भूल गया था, तो भाई मुझे समझाया, बोला कि जब तक स्ट्रिक नहीं टूटेगा तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा ऐसा सब, क्या करें अभी थोड़ा तो मोटिवेट करना बनता है। बट मैं बहुत खुश हूँ भाई के कल का मैच में देखा, और भाई ने ऐसा भी बताया कि अभी आगे भी लखनऊ और उसका मुंबई का मैच है 17 तारीख को कुछ, तो मुझे आइडिया नहीं है अभी उसका, मैं चेक वगैरह नहीं किया हूँ। हालांकि भाई पहले मैं निकलता हूँ नाला सुपारा स्टेशन, ट्रेन ना छूटे मेरी, क्योंकि बस भाई 5-6 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और इधर से स्टेशन 5-6 मिनट ही है। तो भाई मैं आपको ना अभी डायरेक्ट मिलता हूँ भिवंडी में अविनाश भाई के साथ में। चल ठीक हूँ, प्रणाम प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लकी निकल गया भाई तू तो बहुत। बस ये पहले मुझे बोलता था कि भाई नहीं स्टेडियम के बाहर चलते तो कोई मिल जाएगा टिकट में, फिर उसके साथ चल जाएंगे, मतलब किसी के पास अगर एक्स्ट्रा होगा तो। मुझे लगता था कि भाई मतलब 3,000-3,500 प्लस की टिकट होती है, कौन ही लेके जाएगा मतलब फ्री में, लेकिन भाई मुझे गलत साबित कर दिया भाई। देखा मुंबई इंडियन का फैन में फिर भी लहराने का मन कर रहा है भाई। कल देखा ना सूर्या का, कल मैं गया देखा भाई, दो एक घर में ये खिड़की पे लगाऊंगा, एक वो खिड़की पे लगाऊंगा, तेरे चाहिए तो रख ले, लेकिन तू CSK सपोर्टर है, तू नहीं रख सकता, तेरे को दूंगा भी नहीं मैं। बाकी मैं बताऊँ यार कि मैं CSK से ना हेट नहीं करता, मैं बताता हूँ मेन मसला क्या है। देखो मुंबई के पास भी 5 ट्रॉफी और CSK के पास भी 5 ट्रॉफी, और अगर CSK आगे बढ़ गई भाई, जीत गई, और गलती से अगर उसने जीत लिया भाई सीजन, हाँ। तो उसके पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो फिर मुंबई नीचे आ जाएगी। बस भाई इसी रीजन के वजह से भाई मैं चाहता हूँ कि CSK मैच हारे, बाकी मेरा कोई हेट नहीं है भाई CSK से, यही मेन रीजन है, इसलिए मैं हमेशा चाहते रहता हूँ भाई बस CSK ना जीते, CSK हारते रहे। मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था, क्या तुझे तो टिकट मतलब एक बार को फ्री में मिल गई, हाँ, लेकिन स्टेडियम के हिसाब से क्या मतलब पैसे दे के मैच देखना वर्थ इट है?
हाँ है, या फिर मतलब मोबाइल में कोई, बहुत सारे लोग बोलते देखती नहीं यार मोबाइल में बढ़िया मैच दिखता है, तेरे हिसाब से क्या है? मतलब तू तो पहली बार गया, मैं तो कभी गया नहीं। हाँ, स्टेडियम में जाके पैसे देके मैच देखना वर्थी थे या फिर घर पे देखना वर्थी थे? देख ऐसे तो सब बोलते हैं कि क्यों देखना चाहिए स्टेडियम में मैच। अभी अंकल एक के ट्रेन में भी मुझसे पूछे कि तुम स्टेडियम में मैच जाकर क्यों देखे। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं कॉन्टेस्ट में जीता हूँ ये 3600 और ये क्या बोलते हो, मैं बोल दिया कि हाँ मैं मैच देखने गया था। तो देख हम मैच भाई रोज़ फ़ोन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बट तू जब एक बार स्टेडियम में जाएगा ना, जब तू फर्स्ट लुक मारेगा ना स्टेडियम में, बाप रे बाप इतना बड़ा स्टेडियम आपके सामने। आ गया भाई सचिन तेंदुलकर स्टैंड लेवल 3 ऊपर। ओ भाई क्या व्यू है यार, अरे बाप रे यहाँ से तो कोई भी गिर जाएगा, इतना खतरनाक रहता है क्या, शिट। और उसका लुक और फिर जैसे चौके जाएंगे लोगों का शोर, ये आजू बाजू, फिर आपके बाजू में ही आपके अपोजिट टीम का सपोर्टर रहेगा। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ, पीछे मेरे हैदराबाद वाला था, भाई यार रोहित शर्मा की विकेट गई। तो भागा हो यहाँ से। जब 31/3 थे ना बहुत मस्ती कर रहा था भाई बहुत वो, फिर जैसे ही ना सूर्या का 75 रन हुआ ना भाई, वो आप लोग देखे होंगे व्लॉग में, गया भाई मुंबई इंडियन का टी शर्ट पहन के चले आया। क्या हो गया भाई? अरे अरे क्या खतरनाक लड़का है यार भाई, ऑरेंज से ब्लू आ गया। तो वो मस्ती और फिर आजू बाजू में जो बॉन्ड बन जाता है, फिर चिल्ला चिल्ली मतलब ना एक बार तो भाई जाना चाहिए, एक बार क्या मुझे फिर मौका मिलेगा मैं फिर जाऊंगा भाई, और मैं कोशिश करूंगा भाई पूरी कि मुझे टिकट परचेस करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से मैच देखने। लेवल 3 का था मेरे पास, लेवल 3 से ना एकदम पूरा बढ़िया व्यू आता है भाई, एकदम पूरा साफ साफ दिखता है। टिकट का प्राइस क्या था? मेरी जो टिकट थी वो 3600 की थी, मेरे पास दो थी तो मैंने एक फ्रेंड को दिया, उसने सेल कर दिया, तो क्योंकि 3 लोग थे हम लोग तो उसने सेल कर दिया, वो तो मुझे भी बोल रहा था सेल करने बट मैं नहीं किया क्योंकि भाई मुझे मैच देखना ही देखना था और भाई मुंबई इंडियंस का मैच था तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं भाई मैच देखा, तो चलो भाई अभी भाई का कॉल आ गया, भाई घर पे पहुँच गया कलेक्ट करने प्रोजेक्ट वगैरह। वीडियो मत बना भाई, हर जगह ब्लॉग मत बना। नहीं अभी गाइस कैसे मैं आ गया भाई, जो एक लास्ट बचा था ना जर्नल निकालने को, निकाल लिया अभी ना, एक हमारा सब कुछ हो चुका है भाई, सब कुछ हो चुका है, बस एक चीज़ बचा है ना भाई, प्रोजेक्ट बनाना है कुछ तो भी भाई, पिछली बार जैसा प्रोजेक्ट बनाना है बट क्या बनाना आइडिया नहीं भाई, तो देखते हैं भाई क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे होगा, खैर इसको चेक कराते हैं। गाइस सारे जर्नल्स और असाइनमेंट चेक हो गए हैं, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट जो कि अभी तक बनाया नहीं है, और कल से एग्ज़ाम्स है भाई, और मैम ने सर ने HOD ने भाई आकर इंस्ट्रक्शन दिया क्लास में, उन्होंने बताया 8 एग्जामिनर आने वाले हैं, 12-12 स्टूडेंट रहेंगे हर एक क्लास में, 2-2 एग्जामिनर रहेंगे और सब के सब बाहर के हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा है उन्होंने कहा भाई, ज़रा भी होशियारी मत करना, नहीं आएगा तो चीटिंग मत करना बस, बाकी जो मन में आए वो करो, बोले बिल्कुल चीटिंग मत करना क्योंकि 3 साल चले जाएगा आपका, मतलब मैं तो ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, वो ना बहुत अच्छे से समझाए एग्जांपल देकर। तभी फ़िलहाल मैं मेरा बैग वगैरह फ्लैग वगैरह सब दे दूंगा भाई को, भाई ले जाएगा घर पे छोड़े गए, फ़ोन भी दे दूंगा, जाएगा भाई चार्ज में लगाएगा क्योंकि अभी भाई मेरे को वीडियो एडिट करनी है, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, अभी बज गए हैं 12:30, कल्याण जाकर मुझे मेरी बाइक लेकर आनी है भाई, कल्याण में बाइक है तो निकलता हूँ भाई, कहाँ निकलता हूँ, कल्याण, और भाई जाएगा बाइक वगैरह लेके बैग वगैरह लेके। बज रहे हैं 1 और मेरी देखो ये रूम की सफाई हो गई है भाई, ये देखो भाई रूम की सफाई हो गई है, क्यों बताए, ये देखो भाई सागर बंगाली बाबा आज भाई मेरे घर आ गया है रहने, क्या भाई अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, सब बढ़िया है ना, कुछ बोलना चाहता है? कुछ नहीं बोलना चाहता, नींद आ रही है बहुत ज़ोर की आ रही है, 4 दिन सोए हो गया, 4 दिन से सोया नहीं है तो आज सोएगा सुकून से, ठीक है भाई सो जाना,
भाई मेरा कल पेपर है प्रैक्टिकल एग्जाम और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, और मैडम लोग तो ऐसा इतनी बार डराए हैं ना, इतना खतरनाक डराए हैं, मैं क्या बताऊँ, छोड़ जाने दो। और जब से मैं आया हूँ तब से अभी डायरेक्ट ऑनलाइन आ रहा हूँ ब्लॉग पर, इसलिए क्योंकि देखो मैं आया घर पे 3 बजे लगभग पहुँचा था बाइक लेकर, फिर उसके बाद भाई वीडियो एडिट करने लगा, फिर सो गया पता नहीं कब, 4 बजे मेरी नींद खुली, फिर 4 से 6 एडिटिंग किया हूँ, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया, फिर उसके बाद उसको एडिटिंग पे अरे अपलोड पे लगा के छोड़ दिया, 10 बजे पब्लिश कर दिया, और फिर उसके बाद इसके साथ बाहर घूम रहा था और 12 बजे आया हूँ बाहर से खा पी के मस्त पाव भाजी वगैरह, और फिर अब सो रहे हैं भाई हम लोग, घर में सबको मिला दिया, घर भर खा दिया और अब सो रहा हूँ। तो भाई ख़त्म करते आज का ब्लॉग वीडियो एंड। भाई मुंबई इंडियन, ये देखो यहाँ पर गणपत की गाड़ी वगैरह सब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। बस भाई ख़त्म करते अपना ब्लॉग वीडियो यहाँ पर एंड। मम्मी भी बोल रही थी सागर को घर पर ला दे एकाध दिन, तो मैं तो सुबह जाऊँगा पेपर देने, फिर कल शाम में फिर से लाऊँगा इसे अगर ये भटका, नहीं तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री।